नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ दीपा उपाध्याय। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपालगढ़ के जोधपुर रोड भादो किढ़ानी के पास माली समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन के महाकुंभ का आयोजन संपन्न हुआ। 17 जनवरी की देर रात तक संगीत वेला की रस्म निभाई गई, जिसमें पेपाड से आए मेहमानों ने घूगर घेर का नृत्य भी किया। संगीत वेला की रस्म में सभी 51 दुल्हनें मौजूद रही। भोपालगढ़ के जोधपुर रोड भादुओं की ढाणी के पास माली समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन के महाकुंभ का आयोजन संपन्न हुआ। 17 जनवरी की देर रात तक संगीत वेला की रस्म निभाई गई, जिसमें पिपार से आए मेहमानों ने घूगरा घेर का नृत्य भी किया। संगीत वेला की रस्म में सभी 51 दुल्हनें मौजूद रही। सुबह 7 बजे विवाह सम्मेलन के महाकुंभ में 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। महाकुंभ में 51 जोड़ों के साथ ही तुलसी का विवाह भी रीति रिवाज से किया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। आसपास के ग्रामीणों में सामूहिक विवाह आयोजनों को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। भोपालगढ़ के इस महाकुंभ में हजारों की भीड़ रही, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं ने आए मेहमानों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए रखे। पूरे दिन भर भोपालगढ़ उनके आसपास के गांवों में इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की चर्चाएं दिन भर गर्म रही। संत राम प्रसाद महाराज द्वारा नैनीबाई के मायरे का आयोजन भी किया गया। आयोजन के साथ संत राम प्रसाद महाराज ने सभी दूल्हों को हेलमेट देकर आशीर्वाद दिया। हेलमेट देने के बाद संत राम प्रसाद जी ने कहा कि अब आपको इस सुरक्षा कवच का हमेशा ध्यान रखना है। सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक शिवकरण सैनी के साथ और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान प्रशासन ने भी पूरे दिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाकर अपना फर्ज अदा किया और अधिकारियों ने वर वधु के मंगल जीवन की कामनाएं की और बधाइयां दी। जब हमारे संवाददाता ने बुजुर्ग कार्यकर्ताओं से बात की तो चौंकाने वाली बात सामने आई कि 80 साल पहले माली समाज ने इसी जगह 21 जोड़े का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया था, जो आज फिर इसी जगह 51 जोड़े फिर परिणय सूत्र में बंद कर एक इतिहास रचा गया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें।